तो गाइस यार पीछे वाले घर में से मैंने कचरा उठा लिया, पर बहुत कम कचरा मिला यार पिछले घर में। सम यार पहले इस वाली सोसाइटी में ज्यादा कचरा मिलता था। चलो इस घर में तो मेरे को हमेशा की तरह ज्यादा कचरा मिलना ही चाहिए यार, ये मैडम बहुत ज्यादा कचरा फैलाती है। इससे सही बता रहा हूँ यार, तुम्हारे भाई की दिहाड़ी अच्छी खासी निकल जाती है अगर ये मैडम यहाँ से चले गए जिस दिन, तो समझो तुम्हारे भाई का कचरे का धंधा ही बंद हो जाएगा। चलो यार उतरते हैं। हेलो मैडम जी। चलो यार मैडम जी के पास देखते हैं कितना कचरा है यार, देख रहे तुम्हारे भाई के सिक्स पैक। हेलो मैडम जी। अरे इसमें तो आ गए, तुम आ गए, ये लो कचरा। हाँ मैडम जी शुक्रिया, आप तो हमेशा की तरह बहुत सारा कचरा कर रही हो। अरे एक बात बोलनी थी मुझे तुम्हें। बोलो। कचरा तो रख लिया तुम्हें, पर और कचरा चाहिए क्या? हाँ मुझे और कचरा चाहिए। अरे असल में वहाँ टॉप पे ना एक घर बन रहा है नया, तो नया घर बन रहा है तो सोचो वहाँ पर कितना कचरा होगा। जो तुम अच्छे लगते इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाएगा, वहाँ से कचरा उठा लेना, बहुत सही रहेगा तुम्हारे लिए। शुक्रिया मैडम जी बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, तुम काफी सालों से मेरे लिए कचरा उठाते आ रहे हो। वही घर ना ऊपर? हाँ वही घर बन रहा है, और उसका मालिक भी काफी ज्यादा अच्छा है, तुम्हें कचरा भी दे देगा आसानी से। जाओ जाओ वहाँ से ले लेना। शुक्रिया मैडम जी। चलो गाइस यार चलते हैं, यहाँ पर एक नया घर बन रहा बताया ऊपर उस पहाड़ी पे, ये मतलब सामने जो पहाड़ी है मेरे, यहाँ पर एक नया घर बन रहा है, वहाँ से हमें काफी ज्यादा कचरा मिल जाएगा। जैसे कि तुम लोगों को पता ही है जब नया घर बनता है तो कितना ज्यादा कचरा फैलता है ना, तो वो कचरा पालो उठा लाएंगे। कहाँ से इस घर की एंट्री? ओके। अरे भाई साहब यार एंट्री देख रहे हो कितनी ज्यादा छोटी दे रखी यार, पतली सी है काफी। अरे पागल है क्या, ठोके को क्यों? अबे तुम लोग हट क्यों नहीं जाते? अबे यार ये तो ऐसा लगता है कोई सुपर कार या रेसिंग कार के लिए यार, इतनी छोटी सी जगह, ये ट्रक ऊपर जा क्यों नहीं रहा? अबे भाई साहब चलो आखिरकार हमने इस ट्रक को ऊपर तो चढ़ा लिया यार, देख रहे हो ट्रक जितनी जगह है यहाँ पर आ गया। चलो भाई साहब कौन है यहाँ का मालिक? अरे अरे कौन है तुम? अरे मैं कचरा वाला हूँ। अरे अच्छा अच्छा चलो चलो कचरा वाला तो आ गया यार, मैं जब से कचरा वाला ही ढूंढ रहा था। तुम्हें उन मैडम ने भेजा होगा नीचे वाली ने? हाँ उन्होंने ही भेजा है मेरे को। हाँ तो आ जाओ इस तरफ जल्दी से। हाँ तो कितना कचरा है सर आपके पास? अरे आओ तो, कचरा तो बहुत सारा है पर डेली आना पड़ेगा कचरा उठाने के लिए। डेली मतलब? अरे डेली कचरा होगा ना अगर बनेगा तो। हाँ हाँ वो भी बात सही है आपकी। हाँ तो डेली आ सकते हो तो बताओ, मैं तुम्हें कचरा दूंगा वरना मैं किसी और को ढूंढता हूँ। अरे सर डेली क्या आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, आपका तो सुबह शाम दो टाइम आ जाऊँ। मैंने दो टाइम आने की तो जरूरत नहीं है, बस सुबह आ जाना, सुबह 9 बजे से आ जाना इसी टाइम पर, और यहाँ से जितना भी कचरा हो वो उठा के ले जाना, ट्रक में आ तो जाएगा ना तुम्हारे? हाँ हाँ आ जाएगा आ जाएगा, काफी बड़ा ट्रक है हमारा। हाँ तो ठीक है, तो ये कचरा ले जाओ और इसको फेंक देना। और सर और कुछ? और तो कुछ नहीं है, बस जल्दी से अब कचरा उठाओ इससे पहले मालिक आ जाए। क्या आप मालिक नहीं इस घर के? नहीं नहीं मालिक मैं नहीं हूँ, मैं तो यहाँ का वर्कर हूँ जो ये घर बनवा रहा है। फिर कौन है मालिक? मालिक है, आते ही होंगे थोड़ी देर में, तो चलो मालिक से मिल लेंगे इस बहाने। अरे मालिक को तुम छोड़ो ना यार। अरे ये कैसी आवाज है, और ये जाके देखता हूँ जल्दी सी, मेरा घर बन रहा है दोस्तों नया एकदम फैंटास्टिक वाला। चलो जाके देखता हूँ जाकर आखिर क्या बकवास हो रही है नीचे। अच्छा ट्रक आया है लगता, कचरा वाला आया होगा। चलो इस बहाने कचरा भी साफ हो जाएगा सारे का सारा। चलो अरे एक सेकेंड, ये आदमी तो जाना पहचाना लग रहा है। अरे इसको कचरा नहीं देना है। अरे सर क्या हो गया? अरे सिंचन तू? हाँ सुमित भैया मैं। अबे तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये हमारे सर ही तो है। क्या सिंचन तू है इसका सर? हाँ सुमित भैया मैं हूँ इसका सर, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कचरा उठाने आया था मैं तो। अरे ओए वर्कर इसको नहीं देना है कचरा। अरे सर कचरा ही तो है, दे दो इसको। अरे नहीं ना, जब बोला हम किसी और कचरे वाले को कचरा दे देंगे, पर इस आदमी को कचरा बिल्कुल भी नहीं देंगे, चलो भागो यहाँ से। अरे सर ऐसा क्या हो गया? अरे तुम्हें पता नहीं है कितना घटिया आदमी है, एक नंबर का फकीर, कामचोर कहीं का। अच्छा तो ठीक है सर, हम इसको कचरा नहीं देंगे। हाँ तो आगे से मेरे घर के पास दिख भी मत जाना, वरना पुलिस बुला के जेल में डलवा दूंगा ना। आ गया ना समझ में सुमित भैया? ठीक है ना, आगे से आप ही मत जाना मेरे घर के पास, वरना बहुत मरवाऊंगा। अरे सिंचन ऐसे क्यों कर रहा है तू, मैं तेरा भाई हूँ। अरे जाओ ना यहाँ से, कौन भाई भुआई भिखारी कहीं के, भगो यहाँ से। अरे जाओ जाओ, हमारे बॉस ने बोल दिया ना एक बार, जाओ जाओ। हाँ जल्दी जाओ यहाँ से, और आगे से दिख मत जाना मेरे घर के पास, वरना पुलिस को बुलाऊंगा और बहुत पिटवाऊंगा। भागो यहाँ से वरना भाई मारूंगा तुम्हें अभी मैं। चलो चलो। अरे तू क्या पछतावाएगा मेरे को, तेरी औकात भी है क्या कुछ करने की मेरे लिए? अरे तू जा यार। गाइस यार मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार, मेरे को लगा था कि यार मैडम जी ने बोला है जा कचरा उठा ला, मेरे को लगा कि बहुत सारा कचरा मिलेगा, कचरा मिला और भाई सब काफी अच्छा कचरा मिलता है यार, डेली का बिजनेस बनता है तुम्हारे भाई का। पर गाइस यार मेरे को ये नहीं पता कि ये सिंचन का बच्चा यहाँ पर होगा और इसने मेरा सारा दिमाग खराब कर दिया। इतना अच्छा मूड बना हुआ था आज तुम्हारे भाई का, पर सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी यार। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं एक दिन, बता रहा हूँ, पर मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं बेचारा एक गरीब आदमी कचरा उठाने वाला, और वो देखो यार कितना अमीर है, उसके पास कितना बड़ा वाला घर है यार, मैं कुछ नहीं कर सकता यार सिंचन का। चलो यार रोने से क्या फायदा। तो चलो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके जहाँ पर हम लोग अपने कचरा वाला ट्रक लेके आते हैं। और यार मैंने काफी सोचा, सिंचन ने जो मेरी बेइज्जती की थी मैं उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो काफी अमीर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको भूल ही जाता हूँ ना। चलो यार अपना कचरे का ट्रक वापस पार्क करता हूँ। अरे यार ये एक आदमी है ना भाई साहब जो ये यहाँ पर ये कचरे का ट्रक देता है ना भाई साहब, इसको मना कर रखा है यहाँ पर, इस वाली दीवार को मत लगवाया करो, ये डेली डेली इस दीवार को लगवा देता है। ये देखो भाई साहब अब मेरा ट्रक अंदर नहीं जाएगा। अरे चला जा अंदर। आ गया आ गया आ रहा आ गया। कितनी देर लग गई तुम्हें कहा?
अरे सॉरी सर सॉरी। अरे कहाँ रह गए थे? अरे सर कुछ नहीं, एक नया घर मिला था खतरा उठाने के लिए। अच्छा तो और कचरा लाए हो आज? अरे नहीं सर, उन्होंने कचरा दिया नहीं मेरे को। अरे क्यों नहीं दिया तुम्हें कचरा? अरे पता नहीं सर क्यों नहीं दिया, बोले किसी और को देंगे। अरे क्या पागल आदमी बिजनेस कम करवा रहा है। सर वो मेरी दाढ़ी दे देते आज की। हाँ ये पकड़ 100 रुपए। 100 रुपए? सर 100 रुपए तो बहुत ज्यादा कम है ना। अरे तो नया बिजनेस बनने वाला था किसी के साथ, तेरी वजह से नहीं बना ना, अब हमारा लॉस हुआ है ना। अरे तो सर इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अरे गलती तेरी है, क्या पता उनको तेरा चेहरा पसंद नहीं आया हो कलवा कहीं का। चलो गाइस यार मैं इससे क्या जुबान लड़ाऊं, 100 रुपए दिए भाई, पूछ देख रहे हो पूरे दिन के 100 रुपए। 100 रुपए 100 रुपए में होता क्या आज की दुनिया में यार, मतलब समझ रहे हो कितनी ज्यादा बुरी हालत है तुम्हारे भाई की। तो यार मैं मेरे बॉस के ऊपर भी गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है गुस्सा करने का कोई मतलब है नहीं, तुम्हारे भाई का ही नुकसान है आखिर में, क्योंकि यार मैं ठहरा गरीब आदमी, किसी को कुछ बोलूंगा तो जेल में डलवा देंगे, फिर भाई मेरी कोई बेल भी नहीं करवाएगा, तो समझो कोई मतलब नहीं है गुस्सा करने का। चलो चलते अब यहाँ से जल्दी सी। ओ भाई साहब यहाँ सामने क्या चल रहा है भाई, आवाज आ रही है रोड पीटने पाटने की। अबे एक सेकंड, अरे मार इसको मार, हाय हाय मार 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 इस बूढ़े को। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, अबे तुम लोगों की ऐसी तैसी छोटे से बेचारे बूढ़े आदमी को मार रहे हो, ये ले। अरे कौन है तू? अबे मैं कोई भी हूँ, पर तुम इस बेचारे बूढ़े आदमी को मार रहे हो। अरे बेटा शुक्रिया तूने मेरी जान बचा ली, ये लोग मेरे को मार रहे थे। अरे बाबा ये जालिम लोग आपको क्यों मार रहे थे? अरे बेटा मैं असल में एक रैंप चैलेंज करवाने वाला हूँ, और उसके अंदर मैं एक बहुत ही खतरनाक गाड़ी दूंगा। कैसी गाड़ी और कैसा रैंप चैलेंज? ओ बेटा मेरे पास एक जादुई शक्ति वाली गाड़ी, जिसके पास वो गाड़ी होती है वो उससे कुछ भी मांग सकता है। ये लोग मुझसे जबरदस्ती उस गाड़ी को ले रहे थे। अच्छा और वो रैम चैलेंज? वो रैम चैलेंज ये है कि जो भी उस रैम चैलेंज में जीतेगा मैं उसको वो जादुई कार दूंगा। ओ गाइस यार ये तो काफी कमाल के, चलिए बाबा जल्दी चलते, आप मेरे को लेके चलिए जहाँ पर आप अपना रैम चैलेंज करवा रहे हो। हाँ तो चल, वैसे हर कोई उसके अंदर पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, पर तूने मेरी जान बचाई है बेटा, तो इसलिए तू पार्टिसिपेट कर सकता है उसके अंदर, पर तेरे को जीतना पड़ेगा। अगर तू बाकी लोगों से जीत जाता है उस रैम चैलेंज को तो वो गाड़ी मैं तेरे को दे दूंगा, वरना और कोई जीता तो उसकी हो जाएगी। कोई बात नहीं बाबा, आपने मेरे को बस पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है वही बहुत है मेरे लिए, और मैं इतना खतरनाक आदमी हूँ कि मैं जरूर जीतूंगा उस रैम चैलेंज को, है ना दोस्तों, हम लोग जीतेंगे। गाइस यार मुझे एक होप दिखाई दे रही है जिससे मैं अपना बदला ले सकता हूँ हर चीज से, हर जगह से। वह तो तुम लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। तो आज का रैम चैलेंज बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और तुम में से जो कोई भी आज का रैम चैलेंज जीतेगा उसको मिलेगा जादुई कार, और वो जादुई कार इतना खतरनाक है तुम उससे कुछ भी मांग सकते हो। तो सबसे पहले अरे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुमित है। और ये सेकंड नंबर पे कोई एक और टकला आदमी और आखिर में लड़की। अरे बाबा जीतूंगी तो मैं ही देख लेना, और वो जादुई कार मेरी होगी। और हाँ देखते हैं बेटी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो जो भी तुम में से जीतेगा ये रैम चैलेंज उसे दूंगा मैं वो खतरनाक गाड़ी। तो ये रैम चैलेंज स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। अरे बाबा मैं ही जीतूंगा। अरे स्टार्ट करने तो बोल देता यार तू। अरे ठीक है बाबा बोल लीजिए। अरे हाँ बाबा करिए स्टार्ट। अरे यार बीच में क्यों बोल रहे हो तुम लोग, मेरे को रैम चैलेंज स्टार्ट तो करने दो। हाँ करिए करिए। 1 2 3 रैम चैलेंज स्टार्ट करो। अरे तो सबसे पहले मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं हूँ एक लड़की और लड़कियों का सबसे पहले मौका मिलना चाहिए। हाँ हाँ मैडम जी जाइए जाइए। चलो गाइस यार ये लड़की आगे जल्दी जाएगी तो मेरे को ये तो पता चलेगा कि रैम चैलेंज कितना हार्ड है। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं जीत नहीं सकती? नहीं नहीं मैंने कब बोला आप जीत नहीं सकती? नहीं तुम बोल तो ऐसे ही रहे हो, मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। नहीं नहीं मैडम जी आपको मैं कोई अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ। अरे तुम जाओ जाओ कलवे कहीं के। अरे तेरी ऐसी तैसी, तू तो बिल्कुल नहीं जीतने वाली भूतनी। क्या क्या बोले तुम मुझे? नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं बोला यार, इस लड़की के कान बहुत तेज है सैमी। जीतूंगी तो मैं ही, और वो रैम चैलेंज में से जो गाड़ी मिलेगी वो मेरी ही होगी। अबे तू जा ना, जीती बहुत तू। अरे जीतूंगा तो मैं ही। अरे तू तो नहीं जीतने वाले अंकल जी। अरे क्यों नहीं जीतूंगा मैं? क्योंकि जीतूंगा तो मैं यहाँ पर। अरे जाओ जाओ, लड़कियाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है, हर चीज में लड़कियाँ सबसे आगे है ना, तो लड़कियाँ ही जीतेगी यहाँ पर। अरे ये आ गई फेमिनिज्म की ऐसी तैसी तेरी। अरे क्या बोले तू? कुछ नहीं मैडम जी, करिए आप रैम चैलेंज करिए, जीतिए आप, जीत सकती है, लेट्स गो जीतिए। ये मैं चल रही पापा की परी। और ये गाइस यार ये क्या भाई, ये कुछ ज्यादा अच्छी बाइक नहीं चला रही है क्या, मतलब इतनी आसानी से कैसे चीजें क्रॉस करती जा रही है। अरे तुम्हें क्या लगता है मेरे को ऐसे जुगनू बुगनू समझ रहे हो तुम? जाना हारेगी जरूर गाइस यार, इसको तो हरा दो वरना ये जीत गई तो भाई मेरे तो लेने देने पड़ जाएंगे। अरे ये क्या गाड़ी कैसे स्लो रह गई? पहली बात ये बाइक है और तुम हार चुकी हो, मतलब
अरे ये बेकार थी बाइक, बेकार कहीं की। अरे अब मेरी बारी है मतलब, और मैं जरूर जीतूंगा। और भाई बुड्ढे तेरे को क्यों लगता है तू जीतेगा, तेरी टांट तो पूरी ढोली हो रखी है। अरे क्योंकि मेरे पास ये खतरनाक वाली बाइक है। अच्छा मतलब तेरे पास बाइक अच्छी है तो तू जीतेगा। हाँ बिल्कुल सही, मेरी बाइक अच्छी है तो मैं ही जीतूंगा। ओके तो गाइस यार देखते हैं कि ये बुड्ढा जीत पाता है नहीं जीत पाता है। अरे मैं कहाँ से तुम्हें बुड्ढा दिख रहा हूँ, मैं सिर्फ 50 साल का हूँ। अच्छा 50 साल के आदमी बूढ़े नहीं होते क्या? अरे नहीं नहीं अभी तो मैं 50 साल और जीऊंगा, मतलब मैं अभी जवान हूँ। अरे यार तुम लोग बताओ गाइस यार, 50 साल का आदमी जवान होता है या बूढ़ा होता है, बताना मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर। इस आदमी को पता नहीं है शायद, और जवान आदमी किसको बोलते हैं और बच्चा किसको बोलते हैं, कौन सी एज के अंदर बच्चे रहते हैं और कौन सी एज के अंदर बड़े होते हैं, बताना मेरे को जरूर। ठीक है इसको पता तो चले, इसकी जनरल नॉलेज अच्छी तो हो जाए थोड़ी। अरे ज्यादा तुझसे बोला तो जा नहीं रहा, जनरल नॉलेज होती है नॉलेज। अरे तू जाना टपरी कहीं के। अरे जीतूंगा तो मैं ही। ओए तुम वैसे कोई भी जीता मुझे नहीं लेना देना, बस मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे कोई जीता यहाँ पर जिसे वो गाड़ी मिले। ओए क्या कर रहा है ये पायल? अरे ये क्या लगता है इस बाइक में कोई ग्लिच हो गया है। अबे तेरी बुद्धि में ग्लिच हो गया, बाइक एकदम सही चल रही है पागल कहीं के बुड्ढे। अरे बुड्ढा क्यों बोल रहा मेरे को? क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर ग्लिच हो गया, बूढ़ा है ना तू। तेरी ऐसी तैसी गया 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 गया। अरे यार शिट मैन, आखिर मेरे को समझ नहीं आ रहा आखिर ये लोग इतनी बड़ी बड़ी जंप्स लगा कैसे रहे। अरे क्योंकि हम लोग मस्त वाले ड्राइवर है। अब बुड्ढे ड्राइवर नहीं होता, बाइक जो चलाते उसे राइडर बोलते हैं, ठीक है ना, इतना ही पता है तेरे को। अरे जा जा तू। ओए गाइस यार ये देख रहे हो यहाँ पर वो लड़की डिस्क्वालीफाई हो गई थी, पर ये बुड्ढा यहाँ पर भी पहुंच गया भाई, कहीं ये जीत गया तो सोचो तुम्हारे भाई की होप तहस तहस हो जाएगी। यार मैंने तो सपने सजा लिए थे यार, हर किसी से बदला लूंगा जिसने भी मेरी बेइज्जती की है, सिंचैन से भी बदला लूंगा, और साथ में यार वो मेरे मालिक से जिसने मेरे को 100 रुपए दिए थे। अरे क्या बड़बड़ा रहा है पागलों की तरह। अरे तो जाना। और ये देखो गाइस यार यहाँ पर ये भी डिस्क्वालीफाई हो गया। ओ बल्ले बल्ले मजा आ गया। हुर्रे ये क्या हो गया मेरे साथ? वो ये क्या, वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। अरे बेटे तू जीत पाएगा, तू हारेगा? बाबा मैं जरूर जीतूंगा। ओए बोले पता नहीं यार मेरे को, यार मेरे को चाहता हूँ उससे छुटकारा मिल जाए मेरे को उस गाड़ी से। यार हर कोई मेरे को मारना चाहता उस गाड़ी के लिए, प्लीज उस गाड़ी को कोई तो जीतो यार, आज तक कोई नहीं जीता। टेंशन मतलब बाबा मैं उस गाड़ी को जरूर जीतूंगा, और मैं तेरे पीछे बैठ के चलूंगा। अरे बाबा क्या कर रहे हो, गिर जाओगे? और नहीं गिरूंगा, मैं चाहता हूँ तो इस रैम चैलेंज को जीते बेटे, वरना वो गाड़ी के पीछे बहुत सारे गुंडे आएंगे मेरे को मारेंगे गियर गियर के, मैं नहीं चाहता मेरे को कोई मारे। ठीक है तो बाबा जी टेंशन मत लीजिए, आपके आशीर्वाद से मैं जरूर जीतूंगा ये रैम चैलेंज। हाँ तो बेटे तू टेंशन मतलब बस तू बाइक भगा फुल स्पीड में। ओके मैं फुल स्पीड में भगा रहा हूँ। अरे लगता है तेरी बाइक थोड़ी स्लो है। गाइज यार मैं क्या करूँ, मेरी बाइक थोड़ी स्लो रह गई यार, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे ना बाइक के लिए, तो आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हो सुपर स्पीड, जिससे मेरी बाइक सबसे ज्यादा तेज भगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर सुपर स्पीड लिखते हो तो गाइज यार मेरी बाइक काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी, फिर मैं शायद जीत सकता हूँ इस रैम चैलेंज को। तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स के अंदर सुपर स्पीड। और तो बेटा लिख दो सुपर स्पीड, और वीडियो को कर दो लाइक, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना याद से। और यहाँ पर हम लोग काफी स्पीड से जा रहे हैं यार, एक तो पीछे से बूस्टर लगा हुआ है। वो बेटा मैं पाद रहा हूँ वो। बाबा क्या कर रहे हो यार, बाइक के ऊपर पाद रहे हो बैठे बैठे? अरे क्या करूँ, पर शरारा बहुत तेज। अरे बाबा गिर गए, बाबा बाबा गिर गए, बाबा जिंदा तो मर तो नहीं गए बाबा, वो गाड़ी कौन देगा मेरे को? अरे बेटा बच गया, मरा नहीं हूँ मैं अभी। अरे बाबा चलो आप जिंदा हो। बाबा आपकी आवाज में चेंजमेंट लग रहा है कुछ। उरा क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ मेरे को, एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ मैं तो। मेरे को लगता है बाबा की झटका लग गया होगा छाती वाती के अंदर, शायद उनकी आवाज चेंज हो गई थी। उरा नहीं 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 मेरी कौन सी आवाज चेंज होगी, मैं तो हमेशा ही ऐसी आवाज देख बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर। हाँ बाबा सही कह रहे हो, एकदम सही आवाज है आपकी, तो शायद लगता है मेरे ही कान खराब हो गए, ज्यादा तेज जंप लगाई थी ना मैंने। उरा बेटा जीत जा, ओ जीत जा। हाँ बाबा जीतूंगा मैं, बिल्कुल जीतूंगा, 100% जीतूंगा। आप लोग मेरे साथ हो और बाबा मेरे साथ है तो मैं जरूर जीतूंगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो यार कि सुमित भैया तुम ही जीतोगे जिससे ये रैम चैलेंज हम लोग जीत जाए और मेरे को स्पेशल कार मिल जाए। वैसे बाबा वो स्पेशल कार दिखती कैसी है? वो बेटा जीतेगा तो पता लग जाएगा तेरे को, अगर तू नहीं जीता तो नहीं पता लगेगा। ओके तो गाइस यार अभी तक शायद सबसे आगे मैं ही पहुंचा हूं शायद, है ना बाबा? वो मेरे को क्या पता मैं कौन सा रैम चैलेंज देख रहा था? क्या आप रैम चैलेंज नहीं देख रहे थे? और क्या, मैं तो खड़ा खड़ा सुट्टे मार रहा था। क्या बाबा बीड़ी पीते हैं? और नहीं नहीं यार बीड़ी बूड़ी नहीं पीता मैं, फिर हुक्का पीता हूँ मैं तो, हुक्का। ओ मैं तो हुक्का भरू रात को चिलम फूकू 4 बजे। अरे बाबा क्या बकवास कर रहे हो आप लोग, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं हमारी वीडियोस। अरे सॉरी भाई लोग सॉरी, मुँह से निकल गई, मेरे मुँह से गलती से निकल गई। अरे प्लीज यार बुरा मत मानना।
ठीक है कोई बुरा नहीं मानेगा, बस अब आप बोलना बचा सा कुछ, ठीक है ना? और ठीक है नहीं बोलूंगा, बस तू बाइक चला रहा है अच्छे से। अरे बाबा मैं तो काफी आगे आगे लगता हूँ। हाँ बेटे तू काफी आगे आगे लगता नहीं, आज आज से पहले कोई आया इतनी आगे। अरे बेटे बच गया भी, हो जाती है ऐसी तैसी। अरे बाबा ये क्या है? अरे भगा भगा तेज तेज। वो अरे बाबा गिर तो नहीं गए? ये क्या भाई साहब? अरे बाबा अभी तक चिपके हुए हो आप। अरे बेटा फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। हाँ बाबा काफी तेज चिपके हुए आप तो बाइक से। अरे चला रहे बस थोड़ा सा और, बस जीतने वाला बेटा तू, तेरे को मिलेगी वो सुपर कार। अब बाबा मेरे को चाहिए वो सुपर कार, और ये ठा दिया आगे से हम लोगों ने, और ये हम लोग चले। अरे यही गाड़ी है क्या बाबा वो? हाँ बेटे यही गाड़ी है वो। अरे बाबा ये तो कोई नॉर्मल सी गाड़ी है, झूठ तो नहीं बोल रहे आप? कोई स्पेशल पावर तो लग नहीं रही मेरे को इसके अंदर। अरे बेटे मैं झूठ क्यों बोलूंगा तेरे को? अरे बाबा ये तो काफी नॉर्मल सी गाड़ी है, बस इसके ऊपर टट्टू लगे हुए हैं बहुत सारे। अरे बेटे चला के तो देख, ये असल में स्पेशल कार है, बैटमैन मेरी टू। बाबा प्लीज झूठ मत बोलिए, अगर ये कोई स्पेशल कार नहीं निकली ना तो समझना मेरी सारी होप टूट जाएगी। अरे बेटे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, माँ कसम ये ले, मेरी मरी हुई माँ की कसम खा के बोलता हूँ, ये असली गाड़ी है। चल मैं चलता हूँ यहाँ से। वो बमलहरी बम बम भोले 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 भोले। गाइस यार बाबा तो नीचे कूद गए, पता नहीं जिंदा है या मर गए, पर फिलहाल मेरे को ये गाड़ी मिल चुकी है। और यार काफी बढ़िया गाड़ी यार देखने में तो ये। ओए ये क्या है भाई, गाड़ी में कुछ अलग सी पावर भाई, देख रहे हो? और ये देखो लाइटनिंग देख रहे हो गाड़ी की, कितनी ज्यादा कूल। ओए भाई साहब ये क्या है यार? ओए भाई ये देख रहे हो इस गाड़ी के पीछे क्या कबूतर उड़ रहे हैं? कबूतर है या मोर है? भाई मैंने आज से पहले ऐसी गाड़ी कभी नहीं देखी यार, ये तो सही में काफी ज्यादा कमाल की गाड़ी है यार। और जैसा कि बाबा बोल रहे थे मैं इस गाड़ी से जो मांगूंगा ये गाड़ी मेरे को वो देगी। ओके तो सबसे पहले हम इस गाड़ी से क्या मांगे? तो यार सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी से मैं बहुत सारे पैसे मांग लेता हूँ। अरे भाई साहब क्या गाड़ी है भाई, देख रहे हो हवा के अंदर कैसे उड़ रही है? और मैं सीधा बीच पर आ गया भाई, और ब्रेक भी देख रहे हो क्या सॉलिड ब्रेक्स है इस गाड़ी की। और ये देख रहे हो कुछ सेकंड्स के अंदर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। मेरे को लगता है ये गाड़ी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार है। देखियो कितनी तेज ब्रेकिंग है और कितनी तेज ये एक्सेलरेशन इस गाड़ी की। भाई मैंने इतनी गाड़ी चलाई पर आज से पहले ऐसी खतरनाक गाड़ी कभी नहीं चलाई जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा अल्टीमेट हो यार। भाई साहब मैं तो पूरे लॉस सैंटोस का चक्कर लगा लूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर इस गाड़ी के अंदर, मतलब इतनी तेज गाड़ी है यार। देख रहे हो 350 स्पीड भाई, बहुत तेज है गाड़ी तो सही में, देख रहे हो भाई साहब। चलो गाइस यार अब इस गाड़ी से मांगते हैं, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए गाड़ी, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। ओके तो गाइस यार पता नहीं क्या होने वाला है। तो गाइस ये देखो तुम्हारे भाई की फरारी, और गाइस यार ये सब मेरे को उस गाड़ी ने दिया है, मैं बहुत बड़ा करोड़पति बन चुका हूं। और अभी मैं आ चुका हूं सिंचैन से अपनी बेइज्जती का बदला लेने। ओए सिंचैन के बच्चे तेरी ऐसी तैसी, तेरे को अब छड़ांगे नहीं मैं, तूने मेरी बेइज्जती की थी। अरे ये कौन है? अरे समित भैया तुम। अरे कोट पैंट कहाँ से मिल गए, किसके चुरा लिए? कोट पैंट पहन लिए तो मतलब पहचान में नहीं आओगे क्या? तेरी ऐसी तैसी, मैं तेरे को यहाँ से भगाने वाला हूँ। क्या क्या भीख मांगने आए यहाँ पर? भी भीख मांगने नहीं आए, मेरी फरारी देख रहे पीछे। अरे समित भैया वो तो मेरे को फर्स्ट कॉपी लग रही है फरारी की, अभी तेरे को पता लग जाएगा कि फर्स्ट कॉपी है सेकंड कॉपी है। और ये कपड़े देख रहा है तू, और रही बात मैंने तेरा घर खरीद लिया है। क्या सुमित भैया तुमने खरीदा है क्या मेरा घर? हाँ तुम ही हो क्या जो घर देखने आने वाले थे? हाँ मैं वही हूँ, ठीक है ना? अरे सुमित भैया तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? वो तो सचमुच की फरारी है। सुमित भैया मुझे भी तो बताओ कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना पैसा? मुझे क्या लेना देना तुझसे, और मेरे को क्यों बताना है तुझसे? और टेंशन मत ले, जो पैसे तेरे पास आने थे ना वो भी तेरे को नहीं मिलने वाले, क्योंकि मैं कोर्ट में केस करूंगा तेरे खिलाफ, ठीक है ना? जिससे तुझे पैसा भी नहीं मिलेगा। क्या सुमित भैया प्लीज ऐसा मत करो, जो भी कुछ है मेरा घर है यहाँ पर, अगर आपने मेरा घर मुझसे छीन लिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब क्या कर रहा है तू? अरे गाड़ी में क्यों बैठ रहे? अरे सुमित भैया माफ कर दो, चाहे कितना ही पीट लो पर मुझे माफ कर दो। अरे ये क्या जबरदस्ती है भाई, देख रहे हो सिंचन जबरदस्ती मेरी गाड़ी के अंदर बैठ गया। अरे सुमित भैया माफ कर दे यार। अरे ये क्या किसको उड़ा दिया सुमित भैया तुमने? तू जाना किसी को भी उड़ाऊ, और तू गाड़ी में क्यों बैठ गया? उतरना गाड़ी में से। अरे सुमित भैया यार मेरे को नंगा करके मार लो यार, मुर्गा बना दो प्लीज, पर तुम्हारे साथ ही रखो मेरे को, मत छोड़ो सुमित भैया। चल ठीक है यार, अगर मैं भी सिंचन के साथ वही सलूक करूंगा जैसा इसने मेरे साथ किया था, तो इसमें और मेरे में फर्क क्या है यार? मुझे तो दोस्ती निभानी आती है ना, चाहे इसे नहीं आती हो। तो यार अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ गलत करे, पर तुम तो एक अच्छा आदमी हो, तुम तो अपने दोस्त के साथ भला कर सकते हो, चाहे तुम उसे छोड़ दो बाद में, पर उसके साथ बुरा मत करना क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। अरे सुमित भैया ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या ज्ञान बांट रहे हो लोगों को? चुप रह पीटूंगा साले को। अरे सुमित भैया कहां पर लेके आ गए ये? मेरा घर है और क्या है ये? क्या सुमित भैया ये तो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा घर है, तुम्हारा कैसे हो गया ये? अब लॉस सैंटोस का
सबसे बड़ा आदमी करोड़पति आदमी मैं ही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अरे सर देखो आ गए सुमित सर। अरे नाचो नाचो सुमित सर आ गए। अरे सुमित भाई इतने सारे लोग हैं आपके नीचे काम करने वाले, अब आगे से मेरी बात सुन लिया, अगर आगे से तुम मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो देख लियो बेटा तेरे को बहुत बुरा मारूंगा। हाँ ठीक है सुमित भाई सॉरी सॉरी। अरे दीदी चलो चुम्बक छैया करते हैं। अरे ये कौन बच्चे? ओ बल्ले बल्ले शावा शावा नाचो नाचो पावा पावा। तो गाइस यार यहाँ पर सिंचन लड़कियों के पीछे पड़ गया है, पर आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग पड़ जाओ जल्दी से चैनल के सब्सक्राइब बटन के ऊपर, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में स्टोरी के साथ। जब तक लिए राम राम जी। अरे दीदी कहाँ जा रही हो? अरे कैसा पागल बच्चा है, किसका बच्चा है ये?